नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। आज हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज बजट पेश होने जा रहा है। यह सबसे बड़ी खबर आज की। आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र है और अंतरिम बजट पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा के पटल पर आज बजट पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और गरीब मजदूर महिलाओं और किसानों समेत पूरे प्रदेश की निगाह रहेगी इस बजट पर और फोकस भी इन्हीं पर रहने वाला है। और बेरोजगारी पर चोट के लिए विशेष प्लान संभव है कि सरकार लेकर आए क्योंकि जरूरी है, चुनावी वर्ष भी है। बजट में ग्रामीण विकास पर खास फोकस रह सकता है। अब ऐसे में आज विधानसभा में बजट पेश जब होगा तो पूरे प्रदेश की निगाहें होंगी विधानसभा पर, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पढ़ना शुरू करेंगे। 2024-25 का बजट कितना आस से भरा रहेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए आस तो बेहद ज्यादा है इस खास बजट से, लेकिन ये खास बजट आम जनता की आस पर कितना खरा उतरेगा ये आज पता चलेगा, जग जाहिर होगा। सुबह ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। पल पल की अपडेट बजट को लेकर हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास ही है, इसलिए बतौर वित्त मंत्री बजट पेश होगा। 2024-25 का बजट आज आने वाला है। 1,83,950 करोड़ का बजट 2023-24 में रहा। उससे पिछले वर्ष 2022-23 का बजट अगर बात कर ले तो 1,77,255.99 करोड़, और 2021-22 का बजट 1,55,645 करोड़। तो लगातार बजट को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक सिमेट्री में बजट का जो मूल्य है वो बढ़ाया जा रहा है। 1,42, 1,55, 1,77, 1,83। आप देखने की बात होगी कि आज कितने करोड़ का बजट पेश होगा, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं उसमें बजट में बढ़ोतरी हुई है। बजट में अहम केंद्र कौन रहेगा, किस विषय पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कौन कौन से वर्ग, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार, ये वो वर्ग हैं जिन पर सरकार का काफी अहम फोकस रहेगा। और दिव्यांगों की अगर बात कर ले तो दिव्यांगों पर भी सरकार का अहम फोकस इस बजट सत्र में रहेगा। तो बजट सत्र है, बजट सत्र शुरू तो हो चुका है, लेकिन आज काफी अहम दिन क्योंकि आज बजट पेश होगा। राज्य के लोगों को यह पता चलेगा कि सरकार ने उनके लिए बजट में क्या क्या तोहफे रखे हैं। देखने की बात होगी कि कितना फायदा मिलेगा आम आदमी को, मिडिल क्लास मैन को। अब ऐसे में जब आज बजट पेश होगा तो चर्चा करनी काफी जरूरी भी हो जाती है कि बजट में क्या खास रहेगा। और इस चर्चा में हमारे दास बीजेपी प्रवक्ता मुकेश जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं प्रियदर्शनी सिंह, अर्थशास्त्री हमारे साथ स्टूडियो में यही मौजूद हैं, सुभाष सप्रा जी टैक्स एक्सपर्ट हैं, अभिषेक झा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अब ऐसे में आज चर्चा की जो शुरुआत करते हैं वो बीजेपी से, और क्योंकि जवाबदेही भी बनती है। अब ऐसे में मुकेश जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। देखिए जनता को काफी उम्मीदें हैं सर इस बजट से, क्या लगता है क्या कुछ खास रह सकता है जनता के लिए? जनता मानकर चले कि जो इच्छाएं हैं, जो आस हैं, वो पूरी हो सकती हैं क्या आज के बजट से?
जी बसंत जी नमस्कार। मैं मानता हूं कि जो आने वाला ये बजट है आप कुछ ही घंटों में देखेंगे, ये एक ऐतिहासिक बजट होगा। ये मनोहर लाल जी की दूरदृष्टा वाला बजट होगा जिसमें हरियाणा आने वाले 10 साल बाद कैसा दिखेगा उसका एक रोड मैप की झलक होगी। ये ऐतिहासिक बजट होगा और मैं मानता हूं कि गरीब महिला किसान हितेशी बजट होगा। आप देखेंगे अभी कुछ ही घंटे बचे हैं, हरियाणा ने किस तरह पिछले 9 साल में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, हरियाणा 20 साल बाद कैसे दिखेगा, उसकी झलक आपको इस बजट में दिखाई देगी। मैं इसे विश्वास दिलाता हूं, आप जब हमारा बजट आएगा तो जो कांग्रेस के और जो और प्रवक्ता बैठे हैं वो भी मैच थपथपाने पर मजबूर हो जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, चलिए ये तो देखने की बात होगी, ये बड़ी बात कही आपने, लेकिन देखने की बात ये होगी कि इस बजट में जनता के लिए क्या खास रहेगा और जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद भी आपसे सवाल जो है किए जाएंगे, लाजमी सी बात है। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। बजरंग जी, आज बड़ा दिन हरियाणा वासियों के लिए, आज के दिन को किस तरह से देखते हैं सर आप? बीजेपी की तरफ से वादा तो किया जा रहा है कि पूरी जनता को संतुष्ट कर देंगे इस बजट से हम, क्योंकि चुनावी साल भी है। बजरंग जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा ये बजट हर वर्ग के लिए खुशहाली वाला बजट होगा और कांग्रेस पार्टी भी इस बजट से पीठ थपथपाएगी। मैं भी यही चाहता हूं कि अच्छा बजट आए, किसान कर्मचारी मजदूर व्यापारी उद्योगपति हर वर्ग को इस बजट में राहत मिले। हम भी ये कहें भाई हरियाणा सरकार ने अच्छा बजट लाया, अच्छे काम की सराहना करना सभी का फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। हम भी चाहते हैं हरियाणा में तरक्की हो, हरियाणा में व्यापार बढ़े, हरियाणा में उद्योग बढ़े, युवाओं को नौकरी मिले, किसानों को अपनी फसल के उचित दाम मिले, हम ये चाहते हैं। मगर मैं एक बात बसंत जी, आप ये आपका चैनल बड़ा प्रमुख चैनल है और बताना चाहता हूँ, पूरा हरियाणा ही नहीं आज आपका देश हरियाणा न्यूज चैनल को देख रहा है। हाँ। क्योंकि ये चुनावी बजट है, चुनावी साल है, सरकार का मनोहर सरकार का आखिरी बजट है और मैं कहना चाहता हूँ 9.5 साल इस सरकार को बीत गए, मेरे कोई आंकड़े गलत नहीं पाएंगे एक आंकड़ा भी, और बसंत जी मेरा आंकड़ा गलत पाए आप मुझे टोक सकते हो और मैं उसको क्लियर करूंगा एक एक आंकड़ा सहित, मैं आपका वेट कर रहा हूं। 9.5 साल के अंदर 1 रुपए का भी टैक्स में अभी तक व्यापारी उद्योगपति आम जनता को राहत इस सरकार से नहीं मिली है। अच्छा। यहां तक कि नए नए टैक्स लगाकर टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में आर्थिक बोझ सरकार ने डालने का काम किया है। यहां तक कि आम उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया है, यहां तक कि सब्जी फल जिसपे मार्केट फीस हमने खत्म की, HRDF हुड्डा साहब ने खत्म करी, उसके ऊपर भी उन्होंने मार्केट फीस HRDF लगा दी, जिसका बड़ा आंदोलन हरियाणा में लगातार सब्जी मंडी के आड़ती कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे समय के अंदर आप पेट्रोल डीजल का रेट देख लो, आप चंडीगढ़ तसल्ली कर लो, हरियाणा से 6 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल वहां चंडीगढ़ में सस्ता है, पंजाब में सस्ता है, हिमाचल में सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि हमारे समय के अंदर 9.24 वेट कर होता था डीजल पे, इन्होंने दुगना कर दिया। इसी प्रकार पेट्रोल पे 17.80 पैसे हमारा होता था, वो दुगना कर दिया। मैं यही बताना चाहता हूं, और हमारे समय के अंदर हमने पहली कलम से 2005 के अंदर सरकार बनते ही 1600 करोड़ रुपए किसानों के हमने बिजली के बिल माफ किए, 2200 करोड़ रुपए किसानों का हरियाणा सरकार ने कर्जा माफ किया, केंद्र सरकार से दबाव देकर 72,000 करोड़ रुपए का हमने कर्जे माफ करवाए, यहां तक कि 10,16,532 गरीब परिवारों के घर फ्री पाइप लाइन टूटी टंकी लगाने का काम किया, 2 रुपए किलो गेहूं
3 रुपए किलो चावल देने का काम किया, 20 रुपए किलो दाल हमने राशन डिपो के माध्यम से देने का काम किया, 3,82,000 गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लाट देने का काम किया, राशन डिपो के माध्यम से 35 किलो अनाज, नमक, तेल, हर सामान, चीनी, हर प्रकार का सरसों तेल, मट्टी तेल, हमने राशन डिपो के माध्यम से देने का काम किया। सारी योजना जो हमारे समय में थी वो सरकार ने बंद कर दी, सिर्फ 5 किलो गेहूं के ऊपर लाके सरकार ने खड़ा कर दिया। 481 हमने खेल स्टेडियम बनाए, 5 बिजली थर्मो प्लांट बनाए, 6 हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए, 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय बनाए, हमने अनेकों 6 मेडिकल कॉलेज जहां करनाल, मेवात, फरीदाबाद, खानपुर, भिवानी, महेंद्रगढ़ हमने वो बनाने का काम किया, 15,000 ग्रामीण चौकीदार हमने भर्ती करे, 13,000 सफाई कर्मचारी हमने भर्ती किए। आज हम जहां बजट की बात है क्या उम्मीद करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं गरीब जनता को राहत दे, टैक्सों में छूट दे, यही तो उम्मीद की जा रही है बजरंग जी, जनता भी तो यही उम्मीद कर रही है बजट से कि हमें राहत मिले। तो बता रहा हूँ, नहीं मैं उम्मीद की बात, मैं यही तो कह रहा हूँ बसंत जी, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा जब तक बजट ना आए, मैं अच्छी बात करूंगा। मैं चाहता हूँ एक बार आपके चैनल के माध्यम से एक दावा करता हूँ मैं, अगर सरकार व्यापार व उद्योग बढ़ाने के लिए पॉलिसी कोई लेकर आती है, व्यापारी को उद्योगपतियों को राहत देती है, मैं दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा में एक भी बेरोजगार रहेगा नहीं। उद्योग और व्यापार के माध्यम से सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ये हमारी बात है। दूसरी जो वेट कर, अरे 2014 के बाद 2014 में जब आप गए उस समय भी तो बेरोजगार थे बजरंग जी, देश में कह रहा हूँ, राज्य में भी। मैं यही बताना चाहता हूँ मैं, हमारे समय सरकारी नौकरी 4.5 लाख थी, 3,75,000 सरकारी पद पे लोग काम करते थे, सिर्फ 75,000 पद खाली थे। ओके बजरंग जी, इन्होंने पिछले 10 साल में लौट रहा हूँ आपके पास, आपके पास लौटूंगा बजरंग जी, आपके पास लौटूंगा। मैं लोग चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपकी। इस बजट से क्या आस है, आज क्या लगता है हरियाणा की जो जनता है वो संतुष्ट रहेगी इस बजट से जो आज पेश किया जाएगा? बसंत जी, स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज प्रदेश की जनता दुखी, हताश और परेशान है। इस बजट से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद कैसे हो, केंद्रीय बजट आया था, उन्होंने कहा था हम 4 मुख्य वर्गों पर हम केंद्रित करते हैं, महिला, गरीब, किसान और युवा। हमारे देश में शिक्षित नहीं है और गरीब ये कहते हैं 85 करोड़ को 500 अनाज दे रहे हैं और मोदी जी कहते 25 करोड़ हमने अपमुक्त कर दिए। मतलब 130 करोड़ में से 107.5 करोड़ गरीब थे। तीसरी योजना ये आम बेरोजगार बेरोजगारी चरम पर है, छोटा किसान व्यवस्था ऐसी कर दी, मैंने किसान और जवान अन्ना कामना कर दी। और मैं ज्यादा जिले में किसान, मैं मत की समस्या है, ज्यादा प्रीत से इंटरनेट बंद कर रखा है, नगर परिषद बिजली बोर्ड कहीं कोई काम नहीं आएगा। हाँ। तो पोर्टल कंपनी की सरकार है और पोर्टल की नजर से कॉफी भी नहीं आ रहा। जहां तक बजट का सवाल है, बजट में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार में कुछ योजना जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है। इन्होंने तो एक ओमकार जी कम से कम उम्मीद तो रखी है, अभी तो बजट पेश भी नहीं हुआ है, कुछ तो उम्मीद रखिए सरकार से आप। बसंत जी, पूछ के तौर पर नजर आते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। प्रियदर्शनी जी पूरी तैयारी के साथ आ जाइए, लगता है। प्रियदर्शनी जी, क्या लगता है जनता उम्मीद रखे आज के बजट से, लगता है आपको? क्योंकि देखिए, बड़े बड़े वादे तो यहाँ पर किए जाते हैं सरकार की तरफ से, और जाहिर सी बात है
अब ऐसे में विपक्षी होने के नाते कमियां तो आप निकालेंगे ही, क्या लगता है आज जनता को एक संतुष्टि होगी इस बजट से, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव भी है विधानसभा के, क्या लगता है प्रदर्शनी जी? देखिए बसंत जी, विपक्षी होने के नाते मैं कमियां निकालूंगी या नहीं निकालूंगी, लेकिन हरियाणा की जनता होने के नाते मेरा ये पूर्ण रूप से अधिकार है कि मेरे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं ये मुझे पता होना चाहिए और हरियाणा की जनता को भी पता होना चाहिए। अब अगर हम आकलन करें कि जिन्होंने 9.5 साल में कुछ नहीं किया वो अब जब सरकार खत्म होने को आई है तब ये क्या ही उखाड़ लेंगे, इसे क्या ही पता लगेगा। टोटल एक्सपेंडिचर ये सिर्फ बढ़ा रहे हैं, मतलब कि बजट हर साल 12% के करीब बढ़ जाता है, हर साल बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो क्या धरातल पे ये काम हुआ है? शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजमार्ग, पर्यटन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्होंने पूर्ण रूप से किया हो। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता भाई बहुत उत्साहित थे, उत्साहित होना बहुत अलग बात है, लेकिन धरातल पे जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। पॉइंट वाइज पॉइंट आते हैं, आपने वादा किया था पिछले साल कि 700 बेड बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे गुड़गांव में, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल की गुड़गांव में हालत देख लिए, झज्जर हो गया है हॉस्पिटल, वहां पे हालात ऐसे हैं कि मरीज अगर एक बार चला जाए वहां पे तो जिंदा बच के आ जाए तो इस पे मिठाइयां बांटी जाती हैं। आप ये सोचिए रोजगार, 25 लाख युवा रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं हरियाणा के, मतलब आप ये सोचिए युवाओं को ये रोजगार नहीं दे पा रहे। और इनके खुद के डिप्टी सीएम ने ये वादा किया था कि जब गुड़गांव जो कि राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र है उसमें हरियाणा वासियों को ये आरक्षण देंगे। आज 9.5 साल हो गए, आज भी हरियाणा वासी आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं। बाहरी लोग गुड़गांव में आके कमा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में मैं एक डिबेट में बैठी थी, आप ही के चैनल में बैठी थी, वहां पे इनके भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता आए थे तो उन्होंने कहा कि जी हमने 58 ऐसे गांव हैं तो मैं जहां पे हमने 24 घंटे बिजली दे रखी है। अरे 24 घंटे बिजली दे रखी है, पता नहीं कौन से हरियाणा में आप रहते हैं, क्योंकि हम तो वो हरियाणा में नहीं रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे अगर किसी, और मैंने उनसे पूछा था सवाल कि मुझे एक गांव बता दीजिए, तो उनको जब कोई गांव नहीं सूझा तो जिस गांव में वो खुद रहते थे, जिस गांव के वो खुद थे उस गांव का भी नाम उन्होंने बता दिया। और उसके बाद जब मैंने अपनी टीम को बोला कि पता करो कि उस गांव में क्या 24 घंटे बिजली आती है या नहीं आती है, उनको ये नहीं मालूम था कि करनाल में मेरे खुद के भी रिश्तेदार रहते हैं। तो जब पता लगा तो पता लगा नीलबट्टा सन्नाटा। तो ये तो इनके झूठ हैं, इनके प्रवक्ताओं के झूठ हैं, तो सोचिए जिनके प्रवक्ता इतने झूठे हैं तो आप भी सोचिए कि उसका मुख्यमंत्री कितना झूठा होगा। 11 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इन्होंने बोला था कि ये स्टार्ट करेंगे, आज तक एम्स का इन्होंने शिलान्यास किया था। मुझे लगता है जिस तरीके से इसका कार्यक्रम चल रहा है 2050 में भी अगर शुरुआत हो जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। युवा सशक्तिकरण की बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं कि उद्योग बढ़ेगा तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना, नौकरियां मिलेगी। लघु उद्योग में इन्होंने बोला था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बोला था कि 20% के सब्सिडाइज रिबेट देंगे ये, लेकिन अगर आप बैंक में कोई भी युवा आज डॉक्यूमेंट्स अपने लेके चले जाए कि जी मेरे को अपना स्टार्टअप का काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन करते करते ही वो हाथ खड़े कर लेगा कि भैया हम नौकरी कर लेंगे, और नौकरी भी नहीं है। तो आज क्या हो रहा है, आज युवा वर्ग ना नौकरी कर पा रहा है ना उद्योग कर पा रहा है। अगर पकोड़े बेचने का जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि पकोड़े बेचना भी तो एक काम ही है, आप ये सोचिए कैसी कैसी अनर्गल बातें करते हैं। खट्टर साहब से अगर कोई नौकरी अगर मांग ले तो बोलते चंद्रयान में लेके चलता हूं वहां पर नौकरी दिलवाऊंगा, मतलब ये तो इन्होंने यहां की जनता के साथ मजाक कर रखा है। पिछले कल परसों ही मैं जिसको कहते हैं विधानसभा का भी सत्र सुन रही थी, विधानसभा के सत्र में मुशायरा कर रही है मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुशायरा कर रहे, शेर व शायरी करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया है या जनता के काम करने के लिए बनाया है? महिला सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा के लिए आपने बोला था जी, शेर व शायरी तो पंजाब विधानसभा में भी होती है, नहीं लेकिन काम भी तो होता है ना। आप ये देखिए कि रोजगार की आप बात कर रहे हैं, 1.5 साल पुरानी हमारी सरकार थी। आपके पास जब आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही,
अब आप मेरी बारी में बोल रहे हैं, आप मर्यादा को मत लांघिए। ठीक है मुकेश जी, लौटूंगा आपके पास। दर्शन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए आयुष्मान का आयुष्मान सुनने की क्षमता रखिए मुकेश जी। देखिए सुनना बहुत जरूरी है, आकलन करना भी बहुत जरूरी है। आप प्रवक्ता हैं, बड़ा दिल रखिए। देखिए आयुष मैं सुनूंगी, आप मुझे टोकिए मत। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड, और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करी। आयुष्मान कार्ड अगर आज की डेट में कोई चला जाए तो वो काम ही नहीं करता है, वो काम नहीं करता। ऐसे ही इनकी उज्ज्वला योजना, इनकी सारी योजनाएं फ्लॉप, इनकी सारी की सारी योजनाएं फ्लॉप। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, बाकी तो पूरे हरियाणा में तो देखने की जरूरत ही नहीं है। एक उदाहरण देती हूँ, नू में एक रोड जाती है, यू नो जब हम गुड़गांव से नू की तरफ जाते हैं, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं वहां की भी प्रभारी हूं तो इसलिए मेरा अक्सर वहां पे जाना होता है, और वो सिंगल लेन है। आपको मालूम है उस रोड का, उस सड़क का लोगों ने नाम क्या रखा है? कातिल रोड, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वहां पे होते हैं। ओके। इसके लिए क्या किया इन्होंने 9.5 साल में? इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। एसवाईएल पे ये अभी भी चुप हैं। इन्होंने एसवाईएल पे अपने बजट पे कुछ भी ना पिछले साल बोला था ना कभी बोल रहे हैं, चुप है, मौन धारण कर रखा है इन्होंने। मैडम एसवाईएल को लेके तो पंजाब की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, आप कह दीजिए ना कि भगवंत मान जी भी पूरी भूमिका निभाएं एसवाईएल को हल करने के लिए। मुकेश जी मुकेश जी वही सवाल तो किया मैंने भी, मैंने भी वही तो पूछा है। रेवाड़ी में आके प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि ये सारा का सारा पानी जो है पाकिस्तान जा रहा है, मतलब 60% से ज्यादा पानी पाकिस्तान में नहीं जाने दूंगा। अरे कहां गई इनकी देशभक्ति? एक बूंद भी पानी हरियाणा वासियों को नहीं दिया इन्होंने, एक बूंद भी तो मैडम पंजाब ने भी हरियाणा को नहीं दिया है। आप अगर देखेंगे तो अरविंद जी ने खुद बोला है कि प्रधानमंत्री मुझे 15 मिनट दे दे, प्रधानमंत्री मुझे 15 मिनट। मुकेश जी सुन लीजिए ना, सुनने की क्षमता रखिए मुकेश जी। देखिए ऐसे तो नहीं डिबेट हो पाएगी इनके प्रवक्ता से, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। नहीं मुझसे मत पूछिए, मैं क्यों दूंगी आपको जवाब? जवाब तो आपको देना चाहिए आप सरकार में। आप अपना स्टैंड स्पष्ट कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, एसवाईएल को लेकर तो डिबेट ही नहीं है, एसवाईएल को लेकर तो डिबेट नहीं है मुकेश जी, एसवाईएल को लेकर डिबेट नहीं है। प्रियदर्शनी जी एसवाईएल को लेकर देखिए डिबेट नहीं है आज के बजट। पानी का मुद्दा ये उठा रहे हैं, नहीं नहीं कितनी किसान विरोधी ये सरकार है। इसके दो उदाहरण मैं हर चीज का आपको उदाहरण दे रही हूँ मुकेश जी, और आपका ये पता लग रहा है एक्सपोज हो रही है भारतीय जनता पार्टी कि ये कितना ज्यादा काम करते हैं, धरातल पे निलबट्टा सन्नाटा है। अब किसान की बात करते हैं, किसान नहीं आप सुनिएगा, आप नहीं सुनूंगी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में हमारे किसान भाई की आप लोगों ने, उन्होंने शहादत दे दी, आप लोगों ने उन्हें मार दिया। एक जवान लड़के को, 21-22 साल लड़के को आपने मार दिया, शर्म नहीं आई? लज्जा नहीं आ रही आप लोगों को? मतलब आप लोग अगर आज किसान अपनी आवाज उठा रहा है, MSP की मांग कर रहा है, तो क्या आप किसान को जिसको कहते हैं उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे? आप उसकी कुड़की जब्ती करेंगे? क्यों भाई, ये किसान है, कोई जिसको कहते हैं टेररिस्ट नहीं है। तो मतलब आप ये सोचिए ना कि जिन्होंने घपले किए उनको तो आप अपनी पार्टियों में ले आते हैं। चलिए ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है, आज देखिए 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। लौटूंगा प्रियदर्शनी जी, हमारे साथ और भी मेहमान इस डिबेट में शामिल है, टैक्स एक्सपर्ट अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, हालांकि आपका जो मेन रोल है 11 बजे के बाद शुरू होगा, जब बजट जो है पढ़ा जाना शुरू किया जाएगा, उसके बाद आकलन आपका शुरू होगा। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, इस बजट से कितनी उम्मीदें रखे जनता? अभिषेक देखिए बसंत जी, मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि जो देश का GDP है उसमें हरियाणा बहुत बड़ा रोल रखता है, और जाहिर है कि सबको उम्मीद है हरियाणा के वासी को कि इस बजट से बहुत कुछ मिलेगा। आप सही कह रहे हैं कि मेरा रोल तो बजट के बाद है, बट अभी फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो कि रोजगार के मुद्दे, उद्योग के मुद्दे और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे कि मैं अगर एक पॉलिसी की जिक्र करूं, तो एक हिप पॉलिसी थी, हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 की है ये,
और इसके तहत जो है रोजगार की अगर हम बात करें तो ये उद्योगपतियों को ये सब्सिडी देते हैं, रिफंड देते हैं, रिवेट देते हैं कि आप 4,000-2,500 से लेके 4,000 रुपया पर मंथ पर इम्प्लॉय ये स्टार्टअप वाले को ये प्रोवाइड कराते हैं कि सो दैट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। जाहिर सी बात है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके की सब्सिडी मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएंगी। ये 5 सालों के लिए थी, 2021 से 1 जनवरी 2021 से ये 25 तक की थी। इस तरीके के जो टैक्स की बात करते हैं तो जहाँ तक कि जीएसटी की बात है तो यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के जो स्टार्टअप्स वाले हैं उनको जो अपना हरियाणा का जो लोकल टैक्स होता है जो 2 पार्ट में होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो जो हरियाणा एसजीएसटी जो है उसके ये रिफंड की बातें करते हैं कि जो जो ये पे कर रहे हैं कैश में जो इनका टैक्स बनता है तो उससे जो एसजीएसटी का पार्ट है वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। थर्डली जैसे इस तरीके से उद्योगपतियों को ये देते हैं कि जो लैंड एक्वायर करते हैं तो उसके स्टाम्प ड्यूटी की रिफंड की बातें करते हैं। बट मैंने अभी कुछ दिन पहले इनकी मिनिस्ट्री से सुना था, इकोनॉमिक्स में मेरे बैठे हुए हैं कि जो बजट जो आया है इनका जो एलोकेट हुआ है उसका 5% भी यूटिलाइज नहीं हुआ है। अब ये लगभग अच्छा। 4 से 5 साल हो गए या पिछले बजट में हो या जो भी ये एलोकेट करते हैं यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो स्कीम तो बहुत है और आते ही रहेंगे, उम्मीद भी है और इससे अच्छा है, बट इसे कैसे इम्प्लीमेंट करें, धरातल पे कैसे लाएं, लोगों को कैसे बेनिफिट मिले, इसके बारे में जरूर गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और सो दैट कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति जो हैं वो इसका लाभ उठा सके। और बहुत ही अच्छा लेकर तो आते हैं बट कितना ये धरातल पर आता है और कितना लोगों को बेनिफिट मिलता है इसके बारे में सोचने की जरूरत है। चलिए ठीक है, अभिषेक झा आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अब ऐसे में हमारे साथ अर्थशास्त्री सुभाष सप्रा जी भी मौजूद हैं। सुभाष जी, आज का बजट अंतरिम बजट है, काफी खास रहने की उम्मीदें भी हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है, आपका आकलन क्या कहता है आज के बजट को लेकर? देखो जो पिछला जो बजट था हमारे इंडिया में हरियाणा में अमृत काल का, अमृत बजट का उसका जो थीम था इट वॉज बेस्ड। अब जो इस साल जो चुनाव, आप लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, अक्टूबर में भी विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और सरकार के जो समक्ष जो चुनौतियां हैं और जो विपक्ष मेन उठा रहा है उसमें, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो महंगाई है, मतलब ये सब मुद्दे उठा रहा है और ये आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारे हरियाणा के लिए जो मनोहर लाल जी अपना अंतिम बजट जो दूसरे कार्यकाल का जो पेश करने जा रहे हैं और लोगों को बड़ी उम्मीद है। अब पिछले साल का जो, वैसे तो हर साल बजट बढ़ाया जा रहा है, 2022-23 में जो बजट था इट वाज 1,77,255 करोड़ था और जो 2023-24 का जो बजट था वो 1,83,950 करोड़ था एंड इट वाज इंक्रीज्ड 11.6% इन्होंने बढ़ाया था। और इस बार भी हमें उम्मीद है क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पे है, महीने डेढ़ महीने में चुनाव लोकसभा के भी होने वाले हैं और आगे 2-4-5 महीने में अक्टूबर में उसके भी होने वाले हैं हरियाणा में, क्योंकि इस बार जनता को उम्मीद है, चाहे वो कोई भी वर्ग है, चाहे वो उद्योग है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो महिला है, हर किसी को उम्मीदें हैं हरियाणा सरकार से हमें कुछ मिलने वाला है। और विशेषकर युवा वर्ग जो यहाँ पे नौकरी मुद्दा बहुत बड़ा उछला हुआ है, हम बेरोजगार है, हम पढ़े लिखे हैं एंड वी आर ऑन रोड, गवर्नमेंट भर्ती नहीं कर रही, चाहे शुरू में 2014-15 में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी या हमारे स्टेट में मनोहर लाल जी बीजेपी सरकार आई थी उस टाइम भी इन्होंने बोला था हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी देंगे, अब नौकरियां कितनी मिल पाई हैं अब वो तो बार बार विधानसभा में उछलता है मुद्दा, कल भी उछला, अब अविश्वास प्रस्ताव भी लाए, चाहे वो तो वैसे इट वाज ए नाटक, इट वाज ए ड्रामा, उनको पता है भाई होने वाला कुछ नहीं है, अच्छा तो बहिष्कार करके चले गए हमारे जो विपक्ष वाले साथी थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया था। परंतु मुद्दा विपक्ष के पास बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो बजट है ये लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा और विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा और हमें उम्मीद है जो गवर्नमेंट का जो कोई भी सेक्टर है, चाहे वो महिला है, चाहे वो किसान है, अब किसान आंदोलन देखो बिल्कुल हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा और पंजाब, पंजाब टचिंग स्टेट है बिल्कुल, हरियाणा और पंजाब में कोई फर्क ही नहीं है। अब देखो गवर्नमेंट किस तरह से ये सोल्व करती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा और बिल्कुल इलेक्शन के 10-15 दिन में हमें उम्मीद है 10-15-20 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। अब किस तरह से गवर्नमेंट इसको सेटल करती है आज, मतलब सिर्फ हरियाणा पंजाबी प्रभावित नहीं हो रहा, दिल्ली के लोग प्रभावित हो रहे हैं, ना वो सर्विस पे जा चाह रहे हैं, ना वो उद्योग धंधा, ना दुकानें खोल पा रहे हैं लोग, यानी इनकम कहाँ से आएगी,
दिल्ली हरियाणा पंजाब और जहां पे दिल्ली पूरी इंडिया आती है बिल्कुल ठप पड़ा है, लोग आना ही नहीं चाहते बिल्कुल, जो है ना उन्हें पता है यार कहीं ना कहीं फंस जाएंगे रास्ते में। गवर्नमेंट ने प्रबंध बहुत किए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु हम तो इस चैनल के माध्यम से भी, चाहे वो किसान है चाहे वो सरकार है, हम उनसे निवेदन करते हैं भाई जो है ना इस प्रोग्राम को, ये जो जो किसान आंदोलन है उसको जल्दी से जल्दी सेटल करें, सभी को सहयोग करना चाहिए जिससे आम जनता ना पिसे, क्योंकि इसका प्रभाव जो है ना हर बंदे की जो आय पर पड़ता है, मतलब हर परिवार पे पड़ता है। ठीक है सुभाष जी, लौटूंगा आपके पास। अब देखने की बात है कि आज जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तो उसमें हरियाणा की जनता के लिए क्या खास रहेगा, आज पर कितना बजट ये खरा उतरता है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाष जी देखिए, आज का ये बजट काफी खास बजट इसलिए भी क्योंकि जनता को काफी उम्मीदें हैं सुभाष जी, और चुनावी वर्ष है, सरकार का ये प्रयास रहेगा कि सभी वर्गों को टैप कर दे सरकार इस बजट के माध्यम से। हाँ बसंत जी बिल्कुल, आपकी उक्तियों को ही मैं प्राथमिकता देते हुए मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि अभी बजट सामने आया नहीं है और जब विधानसभा में पेश किया जाएगा तब हम उनकी तकनीकी व्याख्या कर पाएंगे। बिल्कुल, बहरहाल अभी तो हम संभावना और उम्मीद पर अपनी बात रख सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, सभी जितने पैनल में आज डिस्कशन में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विशेषज्ञ सुभाष सप्रा जी भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उनको देखकर। चुनावी वर्ष है, बिल्कुल ठीक बात है, लोकसभा चुनाव है सामने, विधानसभा चुनाव है सामने अक्टूबर तक, और उसके बाद कई नगर निगमों के भी चुनाव हैं जो शहरी क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। तो ये तीन तरह के चुनाव हरियाणा को इस वर्ष में मैं उम्मीद जताता हूँ कि देखने होंगे, तो उस दृष्टि से स्वाभाविक है आर्थिक संरचना पर उसका असर मुझे जरूर देखने को मिलेगा, मैं ऐसा उम्मीद जताता हूँ, मुझे ऐसी संभावना दिख रही है। बहरहाल वसंत जी, किसी भी जो बजट है, बजट के तीन मुख्य घटक होते हैं। पहला तो व्यय की, खर्च क्या किया आपने, उसके लिए आपने क्या प्रावधान कर रखा है। दूसरा है प्राप्ति, जो अभी टैक्स एक्सपर्ट आपके बता रहे थे कि प्राप्ति क्या है, जीएसटी आप एक जीएसटी नक्सेल में प्राप्ति का पूरा पूरा आकलन बताता है कि सरकार का आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है। और तीसरा है जो घाटा, बजट घाटा कितना है, यानी खर्च और आय और व्यय के बीच में कितना बड़ा अंतर है। ज्यादातर क्या होता है कि देखिए हाइपोथेटिकल बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ से इतने पैसे हमारे पास आएंगे और हम इतने खर्च करेंगे, एक एजम्पशन पर आधारित, एक आकलन के आधार पर बजट बनाया जाता है। और होता क्या है कि जब आपके पास, आपने व्यय के ज्यादा प्रावधान कर दिए और आपके पास आय की वो स्थिति नहीं बनी अंततोगत्वा, तो फिर आपका घाटा उतना बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, जिसको लेकर विपक्ष हमेशा मुखर रहता है कि कर्ज लगातार कर्ज बढ़ रहा है। ये स्वाभाविक है कि जब आप कुछ काम करना चाहेंगे तो स्वाभाविक है कर्ज तो बढ़ेगा, और जब आप काम को विस्तार देना चाहते हैं वो कैसे, जैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात है कि जो फोकस होना चाहिए, जैसा मैं उम्मीद जता रहा हूँ कि सबसे अधिक अगर कोई फोकस इस पर होना चाहिए इस बजट में और शायद मुझे देखने को मिले, वो है रोजगार की दृष्टि से। रोजगार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए, इंडस्ट्री पर फोकस होना चाहिए, ट्रेडिंग पर फोकस होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट जो इसका की रोल अदा करता है इन चीजों को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए मुख्यमंत्री को अपने बजट में। और उसके बाद जो सबसे बड़ा फाउंडेशन हरियाणा का है आर्थिक दृष्टि से, वो है किसान खेती, जिसको लेकर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस बार अपने बजट में जरूर संवेदनशीलता दिखाएंगे, कुछ खास पहल इसमें करेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। उसके बाद अगर किसान की बात करूं, जैसे अभी आंदोलन चल रहा है एमएसपी को लेकर, क्या कुछ वो किसान को कुछ राहत देने की घोषणा कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने विधानसभा